भारत का ये 800 साल पुराना शिव मंदिर जो बना है तैरने वाले पत्थरों से, आज हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के दर्शन कराने वाले हैं। दोस्तों, भारत में मंदिर को आस्था का केंद्र माना जाता है। देश के कई ऐसे मंदिर हैं जो काफी रहस्यमयी है। यहाँ हम आपको ऐसे ही एक मंदिर के बारे में बता रहे हैं और ये मंदिर तेलंगाना के वारंगल में स्थित है। इस मंदिर को तैरने वाले पत्थरों से बनाया गया है। वारंगल में स्थित रामप्पा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसका नाम इस मंदिर को बनाने वाले शिल्पकार रामप्पा के नाम से रखा गया। 12वीं सदी में बने इस मंदिर का निर्माण काकतीय वंश के महाराज ने करवाया था। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौर के जो मंदिर हैं भारत में वो अब खंडर में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन कई प्राकृतिक आपदाएं झेलने के बाद भी इस प्रसिद्ध मंदिर को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। शिवरात्रि के दौरान यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है। तेलंगाना के काकतीय वंश के महाराज गणपति देव ने सन 1213 में इस मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था। मंदिर के शिल्पकार रामप्पा के काम को देखकर महाराज गणपति देव काफी प्रसन्न हुए थे और उनके नाम पर ही इस मंदिर का नाम रामप्पा कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि रामप्पा मंदिर को बनने में 40 सालों का समय लगा। 6 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बने इस मंदिर की दीवार पर महाभारत और रामायण के दृश्य उकेरे गए हैं। मंदिर में भगवान शिव के वाहन नंदी की भी एक मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 9 फीट है। मंदिर के ना टूटने की बात जब पुरातत्व वैज्ञानिकों को पता चली तो उन्होंने इस मंदिर की जाँच की। पुरातत्व वैज्ञानिक अपनी जाँच के दौरान काफी कोशिश करने के बाद मंदिर की मजबूती का पता लगाने में कामयाब नहीं हो पाए। बाद में जब पुरातत्व वैज्ञानिकों ने मंदिर के पत्थर को काटा तब पता चला कि पत्थर का वजन काफी हल्का है। उन्होंने पत्थर के टुकड़ों को पानी में डाला तब वे टुकड़े तैरने लगे। पानी में तैरते पत्थरों को देखकर मंदिर की मजबूती का पता चल पाया। भारत के कई पुराने मंदिर पत्थर के वजन के कारण समय के साथ खंडर में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन रामप्पा मंदिर अपने पत्थरों के कम वजन के कारण आज भी काफी मजबूत है। हालांकि वैज्ञानिक भी रामप्पा मंदिर में लगे हल्के पत्थरों के रहस्य के बारे में पता नहीं लगा पाए हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्त और अपने परिवार तक शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपको इस तरीके की नई और रहस्यमय जानकारी और भारतीय संस्कृति से जुड़ी जानकारी से अवगत कराता रहूंगा। दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, मिलता हूं नए वीडियो के साथ।